हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं लेके आया हूँ पंचायती राज व्यवस्था। हर कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पंचायती राज व्यवस्था टॉपिक इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों, और मैं आज पढ़ाने वाला हूँ पंचायती राज। आओ देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था अनुच्छेद नंबर 40 में दी गई है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था। फिर आता है दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति, 1957 में शुरू की गई दोस्तों, और इन्होंने बताया कि ग्राम क्षेत्र और जिला तीन भागों में इन्होंने बांटा है इसको। और पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन 1992-93 को समझाया गया दोस्तों, लाया गया, और भाग नंबर 9 में से दर्शाया गया दोस्तों। फिर अनुच्छेद नंबर 243 का से अरा तक में इसको पंचायती राज को रखा गया है दोस्तों। पंचायती राज व्यवस्था को अनुसूची नंबर 11 में रखा गया है, अनुसूची नंबर 11, अनुसूची नंबर 11, और इसे विषय 29 विषय प्रदान किए गए हैं दोस्तों। और देखते हैं दोस्तों, 29 अप्रैल 1993 को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है दोस्तों, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज व्यवस्था दिवस मनाया जाता है दोस्तों। नागालैंड और मेघालय दो ऐसे राज्य हैं जिनमें पंचायती राज व्यवस्था नहीं है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों और शुरू करते हैं, देखते हैं दोस्तों। पंचायती राज, पंचायती राज का सदस्य बनने की आयु दोस्तों है 21 वर्ष, 21 वर्ष। पंचायती राज सदस्य बनने की आयु है 21 वर्ष। इसका कार्यकाल है 5 वर्ष। इसका कार्यकाल है 5 वर्ष दोस्तों, और एक साल में दो बार बैठक बुलाई जा सकती है, 6 माह 6 माह के अंदर दोस्तों, 6 6 माह के अंदर एक बैठक बुलाई जाती, या किसी सदस्य को, या खाली हुए हो या मर गए होने पर सदस्य के 6 6 माह के अंदर ही दूसरा सदस्य नियुक्त किया जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। महिलाओं को आरक्षण 1/3 भाग दिया गया है, महिलाओं का 1/3 भाग महिलाओं का आरक्षण दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था में दोस्तों। और इसमें है, देखते हैं, अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति 1988 हो गया दोस्तों, हाँ 1977 दोस्तों, 1977। और थुंगन समिति 1988। आज का पंचायती राज व्यवस्था टॉपिक समाप्त होता है, और जाके मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। आप लोग बताइए किस पर वीडियो चाहते हैं दोस्तों, मैं उस टॉपिक का वीडियो आपको दूंगा।